पीपल पार्टी बांदी के सरकर्दा रहनुमा और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आजम बरोही तवील असीरी के बाद रिहा हो गए। पीपल पार्टी के रहनुमाओं का रिहाई पर शानदार इस्तकबाल। तफसीलात के मुताबिक पीपल पार्टी बांदी के सरकर्दा रहनुमा और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आजम बरोही नैब के हाथों चाइना कटिंग केस में गिरफ्तार थे। उनका केस मुसलसल कोर्ट में चल रहा था। गुज़श्ता दिनों कोर्ट ने पीपल पार्टी के रहनुमा मोहम्मद आजम बरोही को चाइना कटिंग केस में बाइज्जत बरी कर दिया। जेल से रिहाई मिलने पर पीपल पार्टी रहनुमा नूर हुसैन बरोही, मोहम्मद अयूब बरोही, नसरुल्ला जमाली, इमाम अली बरोही और खुदा बख्श जस्कानी समेत दर्जनों पीपल पार्टी के कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए, जबकि फूलों की पत्तियां निछावर की गई। पीपल पार्टी के रहनुमा मोहम्मद आजम बरोही का आबाई गांव बांदी पहुंचने पर भी शानदार इस्तकबाल किया और सैकड़ों पीपल पार्टी वर्कर्स, शहरियों, ताजरों और सहाफियों ने रिहाई पर मुबारकबाद दी।